Good morning all of you. Myself Gurpinder Singh. So today's our topic is informal letter. However, you will be fine. So firstly, we will discuss about introduction of informal letter. What is informal letter? An informal letter is a letter that is written in a casual manner. Informal letter वो होता है, यो letter एक आम सी भाषा में लिखा जाता है. ओके, कैजुअल मैनर, आम सी भाषा. यू कैन राइट देम टू कजिन, रिलेटिव. टू नहीं है यहाँ पर, फ्रेंड्स और फैमिली. आप हम इस लेटर को कजिन्स को लिख सकते हैं, रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को भी लिख सकते हैं. और जो हम फॉर्मल होते हैं वो प्रिंसिपल, एडिटर एक्सेट्रा को लिखते हैं. ओके, an informal letter can be written even to the formal contents if you share a friendly relationship between them. informal letter हम उसमें क्या लिखते हैं, यो हमने कोई friendly relationships बतानी होती हैं कि हमने ऐसे किया, हमने बहुत मज़े किए वो. ओके, there are different ways to carry out this type of letter while depending on our country you are in. ओके, इसमें हम ना ऐसे लिखते हैं, एक तो इसमें होता है इंग्लिश वे, एक होता है अमेरिकन वे. सो वी ज़्यादातर तो हम लिखते हैं इंग्लिश वे में. सो वी विल डिस्कस इट इन इंग्लिश वे. ओके, थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन एन इनफॉर्मल लेटर. सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. ओके, सॉरी, सबसे पहले एड्रेस किसका होना चाहिए. हाँ, एड्रेस जैसे कि हमारा खुद का एड्रेस. उसके बाद में डेट, कितनी डेट है ओपनिंग जिससे हम लिखना चाहते हैं, बॉडी, क्लोजिंग, आप हम उसके क्या लिखते हैं, सिग्नेचर, हमारी डेस्टिनेशन, हमारा नाम या सिग्नेचर. राइट अ लेटर, तो इसकी एक ही एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं. Write a letter to your uncle thanking him for the birthday present. So, सबसे पहले देखो एड्रेस, हमारा एड्रेस है ईस्ट वेलम मॉडल टाउन. ओके, उसके बाद में है, ये भी एड्रेस ही आ रहा है, पटियाला. उसके बाद में डेट, जून 2021. उसके बाद में है ओपनिंग, रिस्पेक्टेड अंकल. इसमें हमने लेटर क्या लिखना है, Write a letter to your uncle thanking him for the birthday present. Present means gift. Okay? See, gift. Okay? Present means gift. So, this birthday gift के लिए हमने उनका thank, हमने उनका धन्यवाद करना है. So, East Wallow, Model Town, Patiala. ये है हमारा एड्रेस, रिस्पेक्टेड अंकल, ये मैंने समझा दिया. वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी मैनी थैंक्स फॉर दी वेस्ट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे. हम मेरे जन्मदिन के मौके पर घड़ी भेजने के लिए बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, घड़ी सचमुच में बहुत ही सुंदर है. ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज द बेस्ट प्रेजेंट आई हैव रिसीव्ड ऑन दिस ओकेशन. सच्ची बात तो यह है कि ये सबसे अच्छा तोहफा है जो कि मुझे मेरे जन्मदिन पर मिले हैं उनमें से. ओके, सो नेक्स्ट आई हैव, ओके, मोर एवर आई नीडेड इट बैडली. मैं तो हम दस देवा कि मैंने इस दी सख्त जरूरत सी. ओके, इट इज नाइस दैट यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर जंगल. मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने से छोटों की मजबूत की, क्या बोलते हैं इसको, कि नीड समझते हैं. ओके, The watch sent by you will certainly make me regular and punctual in my studies. जो तुमने घड़ी भेजी है
वो मुझे समय का पाबंद बनाएगी, ओके। आई प्रे फॉर योर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। मैं प्रेयर करता हूँ कि तुम्हें जीवन में सफलता और खुशहाली मिले, ओके। नेक्स्ट, इट इज ऑन नेक्स्ट पेज। योर अफेक्शनली, ओके, तुहाडा प्यारा, आपका प्यारा राम प्रकाश, राम प्रकाश, ओके, दिस इज आवर नेम। सो वी शुड टेक इट समरी। एड्रेस, E12 मॉडल टाउन पटियाला, डेट June 2021, ओपनिंग रिस्पेक्टेड अंकल, बॉडी ये वेरी वेरी मैनी थैंक्स टू लेके इन सॉरी इन माई स्टडीज, ओके। सो नेक्स्ट, सॉरी इन नॉट अप टू इन लाइफ, देन क्लोजिंग योर अफेक्शनली राम प्रकाश। ओह, क्लोजिंग इज दिस लाइन, दिस लाइन इज द क्लोजिंग, ओके। आई प्रे फॉर योर सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ, ओके। उसके बाद में ये रहा सिग्नेचर, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।